भैया मैं इंस्टीट्यूट जा रही हूँ, मैंने आपके कपड़े निकाल दिए, ठीक है आप रेडी हो जाना। ओके ओके रिया, थैंक यू, तुम टाइम पे आ जाना, मैं रेडी रहूंगा। ओके भैया बाय। सर मैं कमिंग 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 बेटा आओ 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 बेटा बैठो। थैंक यू। और कैसी हो? आई एम फाइन सर। गुड, वेरी गुड, नाइस। आज बहुत अच्छी लग रही हो, कहीं जाना है क्या? हाँ जी सर, वो मुझे पार्टी में जाना था इसलिए मैं घर से रेडी होकर ही आई। वाओ, लुक्स प्रिटी। तो आज मैं आपको बताऊंगा सरगम होती क्या है, ध्यान से देखना कीबोर्ड पे। सा रे गा मा पा। अरे रिया, तुमने बताया नहीं कल की क्लास कैसी गई? ठीक है भैया, सर ने अच्छे से समझाया। गुड। कितने लोग हैं वहाँ पे? लोग? वहाँ तो मैं अकेली हूँ। अकेली? वो तो म्यूजिक इंस्टीट्यूट है, वहाँ तो और भी लोग होने चाहिए। पता नहीं भैया, सर ने तो मुझे कहा था कि वो अकेले अच्छे से सिखाएंगे। अच्छा, अकेले? अच्छा भैया, तो मैं चलती हूँ। फोन रख लिया है ना? जी भैया। अगर कोई भी दिक्कत होती मुझे फोन जरूर करना। ओके भैया, डोंट वरी। अरे वाह, आज टाइम पे? कम कम, सिट 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 सिट, तुम बहुत जल्दी सीख जाओगी। गुड, वेरी गुड, कीप इट अप। आज बहुत अच्छी लग रही हो। ये होता है सा रे गा मा पा धा नी सा। भैया मैं चलती हूँ। तू ठीक तो है ना? परेशान क्यों लग रही है? नहीं भैया, मैं परेशान नहीं हूँ, मैं ना चलती हूँ। कमाल है यार, इसको हुआ क्या है समझ नहीं आ रहा। अरे वाह, आ गई तुम। गुड, वेरी गुड। और ठीक हो? जी सर। आज मैं आपको कुछ डिफरेंट सिखाऊंगा। आप ये वाली की पहले प्रेस कीजिए। ये वाली नहीं, ये वाली, ये वाली, ये वाली, दिस वन। यस यस। अरे क्या हुआ, ये वाली प्रेस करो ना। ये वाली, ये वाली, यस। अरे क्या हुआ, इसको प्रेस करो, दिस वन। क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? सर वो मुझे कुछ काम याद आ गया तो मुझे वहीं जाना है। अचानक से? जी सर, वो मुझे अचानक ही याद आया। ओके, कल टाइम से आ जाना फिर तुम। ओके। रिया सब ठीक तो है ना? आज तू घर बड़ी जल्दी वापस आ गई। भैया वो सर को कहीं जल्दी कहीं जाना था तो इसलिए जल्दी वापस आ गई।
पता नहीं क्या हो गया यार, कोई बात तो है, पता नहीं इसको क्या हुआ। रिया, आज तुम कोचिंग नहीं गई? भैया मेरा ना मन नहीं लगता वहाँ पे, तो मैं ये YouTube से ही सीख लूंगी। अभी तो फीस जमा करी थी, दिन ही कितने हुए हैं, तू उठ और तैयार हो जा। लेकिन भैया। नहीं, तू उठ और जा। ओके भैया। रिया का फोन? आज ये अपना फोन यहीं छोड़ गई है? क्या? The number you dialed is not in service. The number you dialed is not in service. इसको तो मैं हाँ, कितनी शर्म की बात है। ये तो देखने में तो ठीक ठाक लगता है, समझ में नहीं आता ऐसा कैसे कर सकते हैं ये लोग। अरे तुमको पता कैसे लगा? कैसे लोग हैं इस दुनिया में। म्यूजिक टीचर था उसने, सही हुआ इसके साथ। हाँ बिल्कुल सही बात है। सही कहा। बहन मेरी बात सुन। हाँ बोलो ना भैया। फोन छोड़ो, मेरी पहले बात सुन लो। हाँ बोलो ना भैया। देखो कभी भी किसी चीज से कॉम्प्रोमाइज मत करना। अगर कभी भी कोई चीज गलत लगे तो उसको जरूर बोलो, स्पीक इट आउट। ओके भैया, थैंक यू भैया। भैया सॉरी भैया। इट्स ओके। हेलो एवरीवन, ये वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट है ये आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। बैड टच गुड टच ये क्या होता है, ये अपने बच्चों को हमें अपने घर से ही बता करके भेजना है, वो चाहे फैमिली का मेंबर हो, रिलेटिव हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, जहां भी जाए अपने बच्चों को ये बताना है कि बेटा बैड टच गुड टच क्या होता है। ज्यादातर लड़कियां भी इस चीज को लेकर शर्माती हैं, इसलिए आप अपने घर की लड़कियों को जरूर ये वीडियो दिखाएं। बोलना कैसे है, स्पीक इट लाउडर जो इस पिक्चर का टाइटल है, वो अपने आप में ही बता रहा है कि हमें बोलना है। अगर हम बातों को छुपाएंगे तो वो हमारे ऊपर ही उसका असर पड़ेगा, तो इससे बेटर ये है कि हम बोल दें इससे पहले कि देर हो जाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय।